पाकिस्तान ने यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में फिर कश्मीर का राग अलापा है। उन्होंने 370 हटाने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद 3 बार युद्ध लड़ चुके हैं। युद्ध के समस्या का समाधान नहीं निकल सकता, जबकि केवल गरीबी और बेरोजगारी ही बढ़ी है। हम पड़ोसी हैं और हमेशा के लिए हैं। सुकमा में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उपमपल्ली और गोदमपल्ली गांव के मध्य जंगल में सुरक्षा बलों के केरलापाल एरिया कमेटी के एरिया कमांड इन चीफ मांडवी मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लातूर में गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र के लातूर में एक अंतर जिला गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 12 साल में पहली बार लातूर में मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त निकेतन कदम ने कहा, चाकुर थाने में अंतर जिला गिरोह के 11 सदस्य के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया। वे इस साल 20 मार्च को चपोली गांव में हुई एक हत्या में आरोपी है। ईडी को सत्येंद्र जैन केस ट्रांसफर करने की दी मंजूरी। दिल्ली के एक प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन मामले को एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। एजेंसी ने कुछ मुद्दों को उठाते हुए मामले को किसी और न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल द्वारा की जा रही थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में अब विशेष न्यायाधीश विकास ढूल सुनवाई करेंगे। मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। उत्तराखंड के रिजॉर्ट में हुई हत्या मामले में बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता के बेटे और उसके 2 कर्मचारियों को 19 वर्षीय युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी करती थी। इंडो नेपाल सीमा पर बिना मान्यता के चल रहा है मदरसे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी में संचालित सभी मदरसों का सर्वे करा रही है, जिस आदेश के क्रम में बहराइच के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने शहर के बशीरगंज मोहल्ले में संचालित एक मदरसे की जांच की। जांच में पता चला कि बहराइच शहर में विगत 30 सालों से संचालित मदरसे में भारतीय मूल के साथ ही नेपाल के छात्र भी शिक्षा लेते मिले, जिसकी जानकारी होते ही जांच अधिकारी भी चौंक पड़े। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 में हराया। नागपुर में खेले गए दूसरे T20 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। बारिश से पहले बंदित 8 ओवर के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलने के बाद टीम इंडिया को 91 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे मेजबान टीम ने अंतिम ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने इस जीत के साथ ही 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी की है। SGPC के कार्यकारी निकाय ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से किया इनकार। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यकारी निकाय ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 2014 को मान्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया, जब सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 लागू है, तब ये राज्य सरकार द्वारा पारित गुरुद्वारा अधिनियम SGPC के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता। अहमद बेग नदवी को UPSTF ने किया गिरफ्तार। UPSTF ने लखनऊ के मंदेगज इलाके में अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अहमद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य रहा है और PFI के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर यूट्यूब पर लोगों को बरगला रहा था। अहमद बेग नदवी 2018 तक लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी पढ़ाता था। UPSTF को नदवी के मोबाइल और लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। जानकारी के अनुसार वह ओमान समेत
कई खाड़ी देशों में जाकर पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। श्रावस्ती का रहने वाला आरोपी 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहा था। हाल ही में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में बहराइच के केसरगंज सीट में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट से चुनाव भी लड़ चुका है। यूपीएसटीएफ ने अहमद को मंदेगंज इलाके में किराए के मकान से गिरफ्तार किया। अंकिता की लाश मिलने के बाद भड़की महिलाएं। उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। बंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शन का काम करने वाली अंकिता भंडारी लापता हो गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान अंकिता के परिवार वालों समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंच गई। उन्होंने आरोपियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोक लिया, घेराव करते हुए हंगामा किया। अंडमान निकोबार में भूकंप का झटका। अंडमान और निकोबार द्वीप में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके रात करीब 2:30 बजे महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप से किसी जान माल के हानि की पुष्टि नहीं की है। आखिरी मैच में हारे रोजर फेडरर। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट लेवर कप में हार के साथ टेनिस में संन्यास ले लिया। इस अंतिम टूर्नामेंट में फेडरर ने राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाई थी। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुए इस मुकाबले में 4-6, 7-6, 11-9 से फेडरर को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद रोजर फेडरर काफी भावुक दिखाई दिए। उनकी आंखों में आंसुओं की झलक नजर आ रही थी। टेनिस कोर्ट के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद नोवाक जोकोविच से मिले। इस दौरान राफेल नडाल भी फेडरर की विदाई के पलों को महसूस कर भावुक नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत कैरिकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक की। मंत्रालय ने बताया कि भारत सहित 34 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को तत्काल और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इस बात पर जोर दिया गया है कि परिषद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बहुमत का गठन करते हुए विकासशील दुनिया की आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। रूसी ने स्वीकारा तेल की आपूर्ति की कमी। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाल के दिनों में भारत में रूसी तेल की आपूर्ति में कमी आई है, मगर उन्होंने कहा है कि दोनों देश एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत कम्पेटिटिव प्राइस पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के बारे में चर्चा कर रहा है। अलीपोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि रूस ने तेल की सप्लाई को तेज कर दिया है, मगर हम लॉन्ग टर्म सप्लाई को लेकर भारत के लिए बात कर रहे हैं। हम इस सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने प्राइस कैंप को लेकर कहा है कि अगर G7 देश रूसी तेल पर प्राइस कैंप लगाएगा तो रूस तेल की आपूर्ति बंद कर देगी। शाहनवाज पर आरोप में महिला को मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला को कुछ अहम दस्तावेज देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी है। पीठ ने शिकायतकर्ता महिला की दलीलों पर ध्यान दिया कि कथित अपराध से संबंधित कुछ तथ्यों को बीजेपी नेता के वकील द्वारा छुपाया गया था। जीते तो बुरे लोगों को निकालेंगे ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं 2024 में फिर से चुना गया तो लाखों लाख प्रवासियों को निर्वासित कर दूंगा। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि हमारे देश में लाखों लोग हैं जो यहाँ नहीं होने चाहिए, उनमें से कोई अपराधी है तो कोई कैदी है। ऐसे में बुरे लोगों को मैं देश से निकाल बाहर करूंगा। ये हमारे देश में जहर घोल रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने खत्म किया धरना, धान खरीद पर थे खफा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या पर जारी किसानों का धरना खत्म हुआ। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने शनिवार को ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार और किसानों के बीच वार्ता सफल हो चुकी है और जल्द ही सरकार की ओर से धान खरीद को लेकर ऐलान किया जाएगा और किसान भी जल्द ही नेशनल हाईवे से अपना धरना हटा लेंगे।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई की 20 राज्यों के 26 ठिकानों पर छापेमारी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई ने शनिवार को देश के 20 राज्यों के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस अभियान को मेघदूत नाम दिया गया है। इस अभियान का मकसद उन लोगों को पकड़ना है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री को बांटने और उसे ऑनलाइन अपलोड करने के साथ ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। चेन्नई के पास संघ पदाधिकारी के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम। तमिलनाडु के चेन्नई के पास तंबारम के चीतलापकम में राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ यानी आरएसएस के पदाधिकारी सीतारमन के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया है। इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि दो अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। सीएम शिवराज ने मन से ही डीएसओ को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने डिंडोरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ही जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया। वहीं कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाई, चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा।